बायो इक्विवेलेंस स्टडी कह लीजिए या तो फिर बायो इक्विवेलेंस। जब भी इक्विवेलेंस वर्ड आए तो किस करने के लिए हम कौन से वाले में वर्ड आता है, क्यों आता है इक्विवेलेंस? जब भी वर्ड आए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये किसी कंपैरिजन की बात कर रहा है, कंपेयर की बात कर रहा है कि कंपैरिजन का। तो इसमें क्या है कि बायो इक्विवेलेंस में हम कंपैरिजन करते हैं कि सेम ड्रग फ्रॉम वेरियस ड्रग प्रोडक्ट। डेट मीन कि एग्जाम्पल के तौर पे ले ले कि पैरासीटामोल जो है वो कुछ कंपनी कालपोल बनाती है और कुछ जेनरिक अगर मान लीजिए वो लेते हैं डोलो ले लेते हैं, डोलो 500 mg जो भी है, कालपोल भी अगर हम 500 mg ले लें, ये ब्रांड दूसरा, इसका ब्रांड दूसरा, इसका ब्रांड दूसरा है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं कि बायो इक्विवेलेंस के द्वारा कि बायोअवेलेबिलिटी किसका ज्यादा है, उसी को हम बायो इक्विवेलेंस स्टडी कहें। बायो अब देख लेते हैं कि इक्विवेलेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ये हमारे मेनली 6 टाइप्स होते हैं इक्विवेलेंस। केमिकल इक्विवेलेंस, केमिकल इक्विवेलेंस में क्या करते हैं कि केमिकल कंस्टिट्यूट जो ड्रग में केमिकल कंस्टिट्यूशन प्रेजेंट होता है, कंस्टिट्यूट प्रेजेंट होता है, उसका हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट डिफरेंस। फिर हमारा फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, थेरेप्यूटिकल इक्विवेलेंस, इसमें हम फार्माकोलॉजिकल इक्विवेलेंस से हम देखते हैं इसका थेरेप्यूटिकल इक्विवेलेंस का। फिर हमारा बायो इक्विवेलेंस, बायो इक्विवेलेंस हम पढ़ ही रहे हैं। और फिर एक केमिकल इक्विवेलेंस, केमिकल इक्विवेलेंस क्लिनिकल इक्विवेलेंस, सॉरी क्लिनिकल इक्विवेलेंस को हम देखते हैं इन वैवो, डेट मीन क्लिनिकल में उसको इक्विवेलेंस करवाते हैं। ये हमारा इक्विवेलेंस का टाइप और इक्विवेलेंस जो कि हमें ड्रग का, सेम ड्रग का डिफरेंट डिफरेंट कंपनी को, कंपनी का जो ड्रग है उसका बायोअवेलेबिलिटी चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, बायो इक्विवेलेंस स्टडी हम यूज करते हैं। थैंक यू।